हेलो। तो कोई झूठ अगर हजारों लाखों बार बोला जाए तो लोग उस झूठ को सच मानने लग जाते हैं। सेम कहानी है अपने टोनर की। कैसे बताती हूँ। तो मैं हूँ डॉक्टर शालिनी पाटोदिया और आज मैं आपको बताऊँगी कि टोनर लगाना चाहिए या नहीं, इज इट अ वेस्ट ऑफ मनी या फिर इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर गुड स्किन। तो सबसे पहले टोनर होता क्या है, वो करता क्या है आपकी स्किन के लिए। सो टोनर जो होता है वो एक अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड है, केमिकल है, जो कि आपकी स्किन को क्लेंस करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी चीज़ अब पीएच न्यूट्रलाइज करता है। बट डू वी नीड इट। अगर आपने और जितनी भी आप स्किन रेजिमेंट्स देखेंगे उसमें बताया जाता है कि पहले स्किन को क्लीन करना है उसके बाद टोनर यूज़ करना है। तो अगर आपने स्किन जस्ट अभी क्लीन करा है एक फेस वॉश से तो आपको टोनर से फिर से उसको दोबारा क्लीन करने की ज़रूरत है नहीं है। अगर आप एक अच्छा क्लेंजर यूज़ करते हैं, एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करते हैं तो टोनर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, पीएच को न्यूट्रलाइज करने की बात हो रही है। तो अगर आपका जो फेस वॉश है, जो क्लेंजर है, वो अगर 5.5 पीएच का है, जो कि अगर आपके स्किन के पीएच का ध्यान रख रहा है, तो यू डोंट नीड टू न्यूट्रलाइज योर स्किन पीएच अगेन विद अ टोनर। सो बेसिकली ये दोनों फंक्शन टोनर के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। थर्ड, टोनर जो होता है वो अल्कोहल बेस्ड होता है और अल्कोहल बेस्ड कंपाउंड्स हम वी डोंट रियली लाइक इट सो मच फॉर आर स्किन बिकॉज इट ड्राइज अप द स्किन। तो कई बार एक्ने पेशेंट्स को बताया जाता है कि टोनर लगाओ, आपके जो ऑयल सिक्रीशन है कम होगा। एक पोर्स को टाइटन करने की बहुत बड़ी मिथ है, आई विल कम टू दैट। तो ऑयल सिक्रीशन कम करने के लिए जो लोग टोनर लगाते हैं, तो अल्कोहल से जो हमें ऑयल सिक्रीशन कम करना है वो नहीं करना है, क्योंकि जब हम आर्टिफिशियली अपने स्किन के स्किन ऑयल्स को कम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी स्किन ड्राई फील करती है और इन रिस्पॉन्स और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो ज़्यादा ड्राई नहीं करना है स्किन को। पिंपल्स वाले जो पेशेंट्स, एक्ने वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको स्किन नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा ऑयली होना चाहिए ना ज़्यादा ड्राई होना चाहिए। सो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में कि पिंपल्स हो रहे हैं तो स्किन ड्राई रखो, नो। देन पोर्स को टाइटन करने का जो मिथ है, पोर्स होते क्या हैं? पोर्स जो है वो हमारे सीबेशियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड की ओपनिंग है स्किन के ऊपर जो हमें दिखती है। अब वो ओपनिंग किसी के बहुत छोटी होती, किसी के ज़्यादा होती। कैसे? अगर आपके ऑयल ग्लैंड्स, जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, वो अगर छोटे हैं, कम एक्टिव हैं, तो उनका साइज़ कम रहेगा, तो उनके पोर का भी साइज़ कम रहेगा, तो उसमें वो कम दिखेगा। वेरस अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर ज़्यादा एक्टिव सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, तो पोर्स ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। अब वो सिर्फ टोनर से छोटे नहीं हो सकते। पोर्स जो होते हैं, स्किन पोर्स जो आपके ऑलरेडी अगर बढ़ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो उनको टोनर लगा लगा के कम नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत मिथ है, ठीक है। टेम्प्रेरी में भी व्हेन यू अप्लाई या एस्ट्रिंजेंट एंड अल्कोहल बेस्ड थिंग, वो थोड़ा सा एक बार स्किन जो है वो ड्राइयर क्लीनर लगती, बट जस्ट टेम्प्रेरी। सो पोर टाइटनिंग के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो एंड देन आई विल पोस्ट इट कि पोर्स को टाइटन कैसे किया जाए, उनकी विजिबिलिटी कैसे कम करी जाए। फिलहाल स्टॉप वेस्टिंग योर मनी ऑन टोनर। इंस्टेड वो पैसा बचा के आप बाय अ गुड फेस वॉश, अ गुड फेस क्लेंजर अपना टाइम एंड मनी सेव कर लीजिए। बाय। एंड अगर ये वीडियो अगर आपको लगता है कि द इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।